हाई एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल अपर्णा तन्वर मेकओवर। और आज की जो वीडियो है वो एक स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में है, दैट इज एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट बाय बी मिनिमलिस्ट। दिस इज AHA, PHA एंड BHA एक्सफोलिएटिंग पील जो हम लोग यूज़ करते हैं। क्या है ये और इसको क्यों यूज़ करते हैं, कौन किस स्किन टाइप के पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको इनको यूज़ करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो लोग नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं दैट आई एम अपर्णा तन्वर, आई एम प्रो मेकअप आर्टिस्ट और यहाँ मैं अपलोड करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन एंड बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए। इन केस यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी वीडियो, सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब आप तक सभी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच दे। आप डेली अपडेट्स के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज तन्वर अपर्णा। और अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एक्सफोलिएटर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि हमारी स्किन जो है हर 14 डेज बाद नई स्किन आती है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वो इतना स्लो होता है कि हमें अपने आई से दिखाई नहीं देता है, या जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ड्राई स्किन वाले जो होते हैं उनको ये ज़रूर पता चलता है कि उनकी स्किन जो है वो पील हो रही है और निकल रही है। इस तरीके से जो है हमारी स्किन जो है हर 14-15 डेज बाद नई स्किन आती है, सो उसको अच्छे से करने के लिए, हमारी स्किन का टर्नओवर बढ़ाने के लिए हम अपनी स्किन पे एक्सफोलिएटिंग करते हैं। एक्सफोलिएटिंग जब आप करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बेबी टाइप स्किन हो जाती है, बहुत स्मूथ स्किन हो जाती है, आपकी स्किन का टर्नओवर जो है वो बढ़ जाता है। सो हम लोग जो है वो एक्सफोलिएशन करते हैं। नाउ एक्सफोलिएशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एक्सफोलिएशन, जो भी आप स्क्रब वगैरह लाते हैं वो करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज दिस टाइप ऑफ केमिकल एक्सफोलिएशन जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फिजिकल एक्सफोलिएशन होते हैं वो थोड़े से हार्श हो सकते हैं आपकी स्किन पर। सो जो इस तरीके के केमिकल एक्सफोलिएशन है वो ज़्यादा बेटर माने जाते हैं फिजिकल एक्सफोलिएशन से, और इसीलिए इस तरीके के एक्सफोलिएशन यूज़ किए जाते हैं। ना एक्सफोलिएशंस के लिए आपके पास जो पील्स हैं, जो एसिड्स हैं, वो इस तरीके से बी मिनिमलिस्ट के इस छोटी सी ही बॉटल में यूज़ किए गए हैं, दैट इज फर्स्ट इज AHA 25%। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं AHA की। व्हाट इज AHA? AHA इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसमें थ्री टाइप के AHA जो है बेसिकली यूज़ किए गए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है आपके स्किन एक्सफोलिएशन के लिए, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपकी स्किन को डीपली जाकर जो है आपकी स्किन पे आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। बट ये जो है आपके स्किन पे इरिटेशन कर सकते हैं, और आपकी स्किन पे हल्का सा लिटिल बिट आपको टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो फील हो सकती है। अदरवाइज लैक्टिक एसिड जो है वो भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छा एसिड है। दही में और मिल्क में भी जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सो कई बार जो है हम लोग जब हम घर में यूज़ करते हैं ये DIYs करते हैं तो उसमें भी हम जो है दही का यूज़ करते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ मैंडेलिक एसिड। मैंडेलिक एसिड इज़ वेरी वेरी गुड एसिड, और ये जो है आपको आलमंड से जो है हमें मिलता है। सो आलमंड जो है स्किन केयर में काफ़ी यूज़ किया जाता है, हम सभी जानते हैं स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करने के लिए आलमंड स्क्रब्स भी यूज़ किए जाते हैं। सो मैंडेलिक एसिड इज़ ऑल्सो अ गुड इंग्रेडिएंट इन इट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंडेलिक एसिड जो है आपके स्किन का टर्नओवर बढ़ा देता है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने फाइन मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं जितने कि आपके ग्लाइकोलिक एसिड के होते हैं। ये जो है मैंडेलिक एसिड आपकी ऊपर की स्किन पर काम करता है, यानी टॉप लेयर ऑफ योर स्किन, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। आपकी स्किन डीपली जो है वो आपकी स्किन को ज़्यादा हार्म नहीं करता है और बहुत अच्छे से जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इन्फ्लामेटरी
एक्नेज जो होते हैं आपके, एंड द सेकेंड थिंग सम टाइम ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन पर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है. ओके, ये बात हुई AHAs की. अब हम बात करते हैं PHA के बारे में. PHA जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर होता है. ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कि आपका AHA वर्क करता है, बट दिस इज रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप. ये स्किन में जो है रेडनेस नहीं होने देता है, स्किन के लिए जो है बहुत काम होता है, और एक्जिमा जैसे पेशेंट भी जो हैं इसको जो यूज़ कर सकते हैं. इसकी ये बहुत खास बात होती है. सो PHA इज़ वेरी गुड. PHA जो है वो आपके AHA के साथ आजकल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. आजकल काफ़ी कंपनियां जो हैं इस टाइप के फॉर्मुलेशन के साथ आ रही हैं कि अगर आप AHA यूज़ कर रहे हैं तो PHA ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि जो भी आपको इचिंग और सेंसेशन फीलिंग होती है सो उसमें जो है आपको रिलीफ मिलता है PHA से. अब बात करते हैं BHA. BHA जो है इसमें यूज़ किया गया है, दैट इज़ सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड जो है आप सभी जानते हैं वो बहुत अच्छा माना जाता है ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रॉन स्किन के लिए. ये जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है. सैलिसिलिक एसिड जो है आपके स्किन में जो है डीपली जाता है, जिस टाइप के बम्पी स्किन होती है आपकी उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जो आपके पोर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लीन करता है. सो सैलिसिलिक एसिड इज रियली गुड फॉर ऑयली स्किन टाइप. जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है सो मैं जो है ये यूज़ करती हूँ सैलिसिलिक एसिड की क्रीम्स, फॉर फेस वॉशेज आप टोनर यूज़ कर सकते हैं. सो सैलिसिलिक एसिड इज़ माई वन ऑफ फेवरेट इन्ग्रीडियंट जो मैं काफ़ी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में देखती हूँ. और यार बहुत गर्मी भी लगने लगी अब तो. इट हैव सम टाइप ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स ऑल्सो. ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं? ये जो है आपके स्किन में जो है वो हाइड्रेशन का काम करते हैं. नाउ ग्लिसरीन एंड हाइलुरोनिक एसिड एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स. अब आप समझ ही गए होंगे, जो हाँ ग्लिसरीन यूज़ होता है, जहाँ हाइलुरोनिक एसिड होता है, दैट मीन्स योर स्किन आर गेटिंग सो मच ऑफ हाइड्रेशन. आपकी स्किन को जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं. सो ये तो बात हुई AHA, BHA एंड PHA के बारे में. इसके अलावा इसमें जो इनका मेन इंग्रेडिएंट है बी मिनिमल्स के, जो सभी मोस्टली जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो है उनका की इंग्रेडिएंट एलोवेरा जूस होता है. एलोवेरा जूस जो है किसी किसी की स्किन को इरिटेट कर सकता है, मुझे भी कई बार सूट नहीं करता है. इट्स डिपेंड ऑन वेदर एंड सिचुएशन, कई बार नहीं भी करता है, बट स्टिल इसके किसी भी प्रोडक्ट ने, बी मिल्स के किसी भी प्रोडक्ट ने अब तक मुझे कोई हार्म नहीं किया है, और स्किन पे जो है एकदम परफेक्टली वर्क किया है. इसमें जो है एलोवेरा जूस है, इसमें इसका कलर जो आप देख रहे हैं ये, इसमें हल्दी भी है. सो हल्दी जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है. सो इसके जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपकी स्किन को इरिटेट करे, आपकी स्किन पे अच्छा ना रहे. वेदर इट्स नॉट हार्म माई स्किन, बट स्टिल ये जो है, जो अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है इस तरीके के केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ करें, सो प्लीज़ मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम्स यूज़ कर रहे हैं सो मे बी थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करें. एक पैच टेस्ट इसका ज़रूर करें. पैच टेस्ट कैसे किया जाता है? आप एक ड्रॉप जो है इस प्रोडक्ट का लेके अपने ईयर के पीछे इस तरीके से लगा लीजिए, और देखिए आपको इरिटेशन ज़्यादा तो नहीं हो रही. अगर हो रही है सो प्लीज़ इसको मत लगाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है. पैच टेस्ट करने के बाद आपको 24 आवर्स देखना होता है. अगर 24 आवर्स तक आपको कुछ भी इरिटेशन वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा है, सो देन यू कैन गो फॉर योर एप्लीकेशन, एंड आप इसको जो है यूज कर सकते हैं. नाउ हाउ टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट. सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है. आप अच्छे से फेस वॉश कीजिए. मेक श्योर आपका जो फेस है वो वेट ना हो, पूरे अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिए, क्योंकि आप जो है एक्सफोलिएटर जो है वो आप वेट फेस के ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादा इरिटेट कर सकता है आपको, या कोई आपको हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है. सो अच्छे से फेस को ड्राई कीजिए, देन आप आराम से जो है इसको अप्लाई कीजिए. एक थिक लेयर लगाइए इसकी,
और आपको सिर्फ 10 मिनट्स इसको लगा के रखना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर आप जो है फेस वॉश कर लीजिए, बहुत आराम से फेस वॉश कीजिएगा। बल्कि मैं आपको सलाह दूंगी कि आप कॉटन से जो है पहले आप उसको जो है रिमूव कीजिए, ताकि वो आपके आईज़ में ना चला जाए, एंड देन जो है आप फेस वॉश कीजिए, उससे बहुत अच्छे से जो है रिमूव होगा। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद जो है स्किन केयर बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपको कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करना है, आप सिर्फ और सिर्फ इसके साथ यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। आप हाइलुरोनिक एसिड का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली कोई भी टोनर जो आप यूज़ कर रहे हैं, रोज़ टोनर या फिर हाइलुरोनिक एसिड टोनर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। टोनर लगाने के बाद आप अपनी स्किन पर अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑयल यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ड्राई स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये यूज़ करने के बाद, एक्सफोलिएट करने के बाद आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो उससे बचने के लिए, आपकी स्किन ड्राई ना हो और लाइक आपको इरिटेशन ना हो, सो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। और इसके साथ जो है नेक्स्ट डे आपको, या उसी टाइम आपको जो है, वैसे ये एक्सफोलिएशन ऑलवेज आप नाइट में कीजिएगा, और नेक्स्ट डे भी आपको जो स्टेप नहीं भूला है दैट इज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है नाइट में भी और मॉर्निंग में भी। सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज़ करिए, इसके नेक्स्ट 2 डेज तक तो बिल्कुल आपको यूज़ करना है, और कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करना है, लाइक विटामिन सी, नियासिनमाइड। वैसे नियासिनमाइड आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट डे, बट मैं आपको सलाह दूंगी कुछ मत यूज़ कीजिए। सिर्फ आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, आप ऑयल यूज़ कीजिए, एंड देन that will the best skin care for your like for your skin, और आपकी skin जो है वो अच्छा भी feel करेगी। और इसके अलावा अगर आपको active acne है, like बहुत ज़्यादा pimples ऐसे हो रहे हैं जिनमें मवाद होती है, उस type के yellow जो acne है अगर वो हो रहे हैं आपको, so please ये जो है बिल्कुल मत use कीजिए, आपकी skin को और भी ज़्यादा harm कर सकता है। और rather than this, chemical exfoliation is really good, आपकी skin जो है आप feel करेंगे नेक्स्ट डे जो है वो बेबी सॉफ्ट लगती है। जो बम्पी स्किन होती है काफ़ी, हाँ नोज़ के पास होती है कई लोगों को, मुझे भी होती है, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट स्किन हो जाती है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, और आपकी जो स्किन है छोटे छोटे जो दाने होते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से जो है स्किन एक्सफोलिएट करता है। सो आई रियली हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरीवन, क्योंकि ये आप ऑल स्किन टाइप पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे। आप इसके साथ जो है सभी बताए हुए पॉइंट्स जो है वो सभी ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज़ रियली अ गुड एक्सफोलिएशन। एंड या ये थी आज की वीडियो ऑल अबाउट बी मिनिमलिस्ट, AHA 25%, BHA 5% एंड BHA 2%। आई होप आज की ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आप लोगों को अच्छी लगे। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वैसे मैंने सभी पॉइंट्स जो है कवर किए हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन जो है वो खुला है, आप पूछ सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए। बाय बाय।